हमारे सदर आली वकार किसी मसरूफियत के तहत उन्हें तशरीफ ले जाना है। बहरहाल वो अपने खुतबे सदारत के लिए और अपनी दुआओं के लिए माइक पर तशरीफ ला रहे हैं। उनके खिताब के बाद मुशायरा बाजा पड़ेगा। मैं सदर अली वकार से इल्तमास कर रहा हूं कि अपने कलिमात से नवाजें। आज के इस तारीख साज ऑल इंडिया मुशायरे के मौके पर आप तमाम लोगों की तरफ से मुझे जो इज्जतों से नवाजा गया है, मैं उसके लिए आपसे रुख्सत होने से पहले एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूं और इस जलसे की कामयाबी के लिए खुदा से दुआ करता हूं। यहां से एक पैगाम लेकर उठिएगा और अपने दिल के अंदर अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत को जगाइएगा और नई क़यादत को वजूद में लाने के लिए जिस तरह का आज ये जम्मे गफीर हम देख रहे हैं, इससे उम्मीद वाबस्ता हैं कि जनाब सीमू खान साहब आने वाले दिनों में एक रहनुमा और नौजवान कायद की हैसियत से इस शहर का नाम पूरे मुल्क में पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मैं रुख्सत होने से पहले चाहता हूं कि दो अशआर के जरिए आज के इस तारीख साज प्रोग्राम में आपको एक मैसेज दूं अता कीजिए और उसको आप अपने दिल में बैठाकर पूरी जिंदगी अमल करने की फिक्र करें जिसमें खुदा ने आपकी हमारी और हर इंसान की कामयाबी रखी है। अता फरमाइए। शायर कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। और फिर शायर ये कहते हैं कि सबक फिर पढ़ सदाकत का अदालत का शुजाअत का, लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत का। लिहाजा इन अशार की रोशनी में अपनी जिंदगी को सवारिए बनाइए और कौम मिल्लत के लिए मुल्क के लिए दुनिया के लिए एक ऐसी शख्सियत बनकर उभरिए जिससे अवामुन्नास को फायदा पहुंचे, आपके इलाके को फायदा पहुंचे, आपके देश और मुल्क को फायदा पहुंचे। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ इजाजत चाहता हूं और जनाब माजिद देवबंदी साहब का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और तमाम शुअराए किराम का जो यहां आज तशरीफ लाए हुए हैं उनका खैर मकदम करता हूं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।